जय बोली सहकार चमत्कार श्री खज्जाराट समोसरण महामंडल विधान की। और खुल के बोलो ना, इतना अच्छा बोल रहे हो तो। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत आचार्य विद्या सागर महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य गढ़ाचार्य विराट सागर महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज मुनि श्री एक्सवाट भूत बली सागर महामुनिराज की। जय बोलिए आत्य विराजित चतुर्वेद संघ में श्रेष्ठतम पूज मुनि श्री व्रंजन सागर महामुनिराज की। जय बोलिए चतुर्वेद संघ की। हम आज की ये मांगलिक सभा प्रारंभ करें, हमारी बेटियां मंगलाचरण लेकर प्रारंभ कर। पांचों बेटियां जल्दी से आ जाओ, चक्रवर्ती का दरबार देखेंगे हम। चक्रवर्ती क्या होते हैं, उनका वैभव कैसा होता है, अब तक हम पढ़ते थे पर चित्रों के माध्यम से हम उसे देखेंगे। चल रहे हैं सीधे सीधे आपको अयोध्या के उस राज प्रासाद की ओर जहां चक्रवर्ती सुभद्रा पटरानी के साथ महाराज भरते से अभी चक्रवर्ती नहीं बने, उनका राज दरबार लगेगा। सभासद राजा और महारानियां अपने अपने समय पर चले आ रहे हैं, भक्ति के साथ आ जाएं सभी राजा महाराजा। अरे यहां खड़े हो भैया, जल्दी से आना है। द्वारपाल देश देशांतर के राजा महाराजा महारानियां रुको ना, एक मिनट रुको भैया, राज दरबार में पधार रहे हैं।
इन बहुओं ने, जैसे हमारा युवा मंडल नहीं आपस में बैठकर नारेबाजी करता है, एक बार इन बहुओं ने, कल मैंने सुना इनके नारे, ये नारे लगा रही थी भैया जी, ये सारी बहुएं नारे लगा रही थी, मेरे बच्चे सास संभाले, नया नारा निकला है, 21 तोपों की तलामी सलामी हो रही, एक नारे क्या थे बहुओं तुम लोगों के, मेरे बच्चे सास संभाले, मेरे बच्चे सास संभाले। मैंने एक बहू से पूछ लिया, और सास के बच्चे, बोले वो संभालने के लिए मैं आ गई हूं ना। ताली बजाओ एक बार। अब ये जो माँ बैठी अपने नाती को गोद में खिला रही थी, गोद में बेटा खेल रहा था नाती, गलती से वह बेटा गोद में से उछल के नीचे गिर गया, बहू ने देखा आ गई जोर से तम तमाते हुए, क्या माँ जी तुमको बच्चों को भी संभालना नहीं आता, कल से मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, सुन लिया तुमने। फिर बोला हाँ माँ जी जब कुछ नहीं बनता तो क्यों करती हो, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। अब सास को नहीं रहा गया, उसने कहा ठीक है आज से यही होगा, मैं कल से तेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी, और अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, ताली बनते एक बार ताली बजाओ। ये आपको जोड़ने की बात थी। अब हम कहां चलेंगे, अयोध्या नगरी, देश देशांतर के राजा महाराजा बैठे हुए हैं, महारानियां सभासद में शोभा बढ़ा रही हैं, सबको इंतजार है कब आएंगे अयोध्या के राजा भरत चक्रवर्ती, कब आएगी पटरानी सुभद्रा। कल की तरह आज भी एक रानी के मन में विचार बना, जब तक भरतेश का आगमन नहीं होता मेरे मन में जो जिज्ञासा है मैं उसका समाधान कर लूं, और कल मुझे भक्ति करने का भी मौका नहीं मिला था, आज मैं भक्ति भी कर लूं। और आ रही है वह महारानी अपने महाराज को संकेत करती है, और भक्ति के लिए झिन्नो 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 ओडेरी गुल्ला जय हो रे मंदनिया हमें, हर झिन्नो झिन्नो ओडेरी गुल्ला हे चलो रे मंदनिया हमें, हर चलो रे मंदनिया हमें, चलो रे मंदनिया हमें, चलो रे मंदनिया हमें, चलो रे मंदनिया हमें, हर भगता की भगता की लगी है कथा, चलो रे मंदनिया हमें, भगता की लगी है कथा, चलो रे मंदनिया में। ताली बनती है क्या गजब की, और मैं तो आपके इस भक्ति के स्टाइल को भी नहीं समझ पाया, ये किस प्रदेश की भक्ति की आपने, वास्तव में स्वरों में 7 स्वर होते हैं, नृत्यों में भी ऐसे नृत्य के गिनती होती होगी, पर मुझे नहीं लगता ये कौन सी गिनती में आएगा आपका नृत्य, पर ताली बनती है आपके लिए। क्या जिज्ञासा लेकर आई है ये महारानी, हे स्वामी जय जिनेन, जय जिनेन, हे स्वामी जय जिनेन, जय जिनेन महारानी जी, महारानी जी जय जिनेन। हे स्वामी मेरे मन में आज एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कहो 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 चंद्रमुखी, क्या जिज्ञासा लेके आई है। हे स्वामी चक्रवर्ती पाने के क्या करना होता है, हे स्वामी मेरी शंका का समाधान कीजिए स्वामी। जो जो जीव पूजा अब से और मनमाना दान देता है एवं जो जीव दया में तीन भावों तक अपने मन में अच्छे भाव रखता है उनको वो चक्रवर्ती के पद पर समवेत होता है। ताली बजाइए, क्या बात है स्वामी, आपने मेरी शंका का समाधान किया, हे स्वामी जय जिनेन। समझ में आए ना? हाँ आया स्वामी समझ। मैं आप अपने समझदार हैं, मैं आज पहली बार समझ पाई हूँ। ठीक है।
अरे महाराज सुनिए तो, इधर तो आइए, इधर तो आइए। जिज्ञासा बड़ी श्रेष्ठ थी, जो चिरिंद प्रभु का अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति यदि करनी हो तो जो मन में एक बार आ जाए तुरंत दान कर देना चाहिए। जो दान की प्रवृत्ति रखती हो, सदैव परस्वार्थ करता हो, जिसके अंदर जीव दया का भाव निरंतर तीन भवों तक ये चलता रहे, पक्का मानना चतुर्थ भाव से अधिक नहीं लगेगा चक्रवर्ती जैसी विभूतियां पाने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। ये महारानी जी हैं। अरे यार आप लोग बातें करते हो, क्या बात है। ओम शांति। हाँ अजगर को अच्छे से पकड़ लो है। चलिए, और ये दोनों भक्ति करते हुए, अब मन ही बिगड़ गया, उधर सबका ध्यान है, भक्ति करते हुए अपने स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ जी। अर झिनो 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 ओडरे गुल्ला ए चलो रे मदनिया हमें, अर झिनो झिनो ओडरे गुल्ला ए चलो रे मदनिया हमें, अर चलो रे मदनिया हमें, चलो रे मदनिया हमें, भगवता की भगवता की। तभी संकेत मिल रहे, अयोध्यापति तीर्थंकर के ज्येष्ठ पुत्र भरत पट रानी सुभद्रा के साथ सभा में मंगल आगमन होता प्रतीत हो रहा। सावधान होशियार, अयोध्यापति सम्राट भरतेश पट रानी सुभद्रा के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आसन को असीम सुशोभित करते, जो दासी बनी है सामने पहुंच जाए जल्दी से। महाराजा और महारानी अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा महाराज। समस्त सभासद सभी राजा महारानियां ये तो उचित अपना आसन ग्रहण करते हैं। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। मंत्री जी कृपया अयोध्या नगरी में प्रजाजनों की धार्मिक चर्या एवं शासन व्यवस्था से अवगत कराएं। मुझे याद है कि श्री आदिनाथ मुझे याद है पिता श्री आदिनाथ जी ने कहा था कि जैसे मैंने तेरा पालन पोषण किया है वैसे ही तुम अपनी प्रजा का पालन करोगे, तो मेरी न्याय नीति में कोई कमी तो नहीं। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। ए राजन, आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं। प्रजा में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से समस्त रूपेण प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समय समय पर विश्व शांति की हेतु यज्ञ की आहुतियां दी जाती है, ऋषियों मुनियों का यथा उचित सम्मान किया जाता है, आहार विहार वैया वृत्ति की समुचित व्यवस्था की गई है। कहा गया महाराज यथा राजा तथा प्रजा, जिस राज्य का जैसा राजा हो वैसे ही उस राज्य की प्रजा होती है। वास्तव में आप पिताजी के अनुरूप ही प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते हैं, उन्हें रोटी कपड़ा मकान धर्म चर्या से परपूरित करते हैं। अहिंसा का वातावरण तो आपके राज्य में ऐसे गुंजायमान है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। हे राजन ये अतिशयोक्ति नहीं, आपके दंड नीति और न्याय नीति में अहिंसात्मक वातावरण में कोई हिंसा तो दूर की बात, भाव हिंसा भी नहीं करता। यदि घाट पर जाकर देखूं तो शेर और गाय एक साथ दोनों मिलकर
प्रेम पूर्वक पानी पीते हैं। जब मैं आकाश की तरफ दृष्टि दौड़ाता हूँ तो बाघ पक्षी और छोटे पक्षी भी आपस में कलनाद करते हैं। जमीन पर चूहे और बिल्ली में भी मैत्री भाव है। सर्प और नेवला एक साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रजा के समाचार है, चारों तरफ खुशियां व प्रसन्नता है। सेनापति जी, आकस्मिक स्थिति में सेना की क्या व्यवस्था आपने बनाई है? प्रजाजनों के संरक्षण एवं राज्य की सीमा व्यवस्था के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, मुझे अवगत कराएं। जय सियात क्या क्या महा हे दीन बंधु दीनाना, हे प्रजापाल प्रजावत्स। श्री महाराज भरत के चरणों में मैं सादर शीश झुकाता हूँ, मैं सादर शीश झुकाता हूँ। और अयोध्या की राज्य व्यवस्था को, अयोध्या की राज्य व्यवस्था को मैं शब्दों में बदलाता हूँ। अयोध्या की राज्य व्यवस्था को लो शब्दों में बदलाता हूँ। सुनिए महाराज, है भरे हौज जलवंद से राजा जी, बावरी कूप नदियां छलकती, यहाँ वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आया। और महाराज, हमारे राज्य में ना कोई चोर ना अधर्मी दुष्ट है, यश की कीर्ति धर्म की धारा बहे। क्या बात है सेनापति, आप राजा यहाँ के हैं शिरोमणि तिलक, सूर्य के सामने जैसे दीपक जले। हे महाराज, हमारे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार से है कि 12 सेनाएं खड़ी सदा, महाराज 12 सेनाएं खड़ी सदा, कब रण में मौका मिल जाए, कब रण में मौका मिल जाए। और महाराज, जाकर के जौहर दिखलाऊं, जाकर के जौहर दिखलाऊं, जीवन मेरा ये खिल जाए। और महाराज, हैं कई सूरवीर बड़े योद्धा, महाराज हैं कई सूरवीर बड़े योद्धा, जो भूचाल प्रलय ला सकते हैं, भूचाल प्रलय ला सकते हैं। और महाराज, यदि दुश्मन सेना पर टूट पड़े, दुश्मन सेना पर टूट पड़े, तो चुन चुन कर बदला लेते हैं। महाराज, हमारी संपूर्ण सेनाएं जैसे पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना, चतुरंगरी सेना, अंग सेना, पंग सेना, कलिंग सेना, भूटान सेना, तिब्बत सेना, महाराज यह समस्त प्रकार की सेनाएं सदैव युद्ध के लिए लालायत रहती हैं। और महाराज हमारे प्रजा में इस प्रकार का अनुशासन है कि रात्रि के किसी भी पहर में कोई भी स्त्री संपूर्ण आभूषण पहनकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ जा सकती है। महाराज, उसे किसी प्रकार के किसी भय की आवश्यकता नहीं। महाराज, अभी तक तो कोई राजा ऐसा इस भूमंडल पर पैदा नहीं हुआ जो हमारे राज्य की ओर को दृष्टि डाल सके। और कदाचित महाराज, यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश भी की तो उसे सीख सिखा दी जाएगी कि अयोध्या है कोई और नहीं। महाराज आप सैन्य व्यवस्था से निसंकोच रहे हो। महाराज, वाह वाह सेनापति जी वाह, प्रजाजन पर ताली बनती है सेनापति जी के लिए। क्या गजब का उत्साह है आपका, और उत्साह से ही देखते बनता है आप प्रजा को
आप सैनिकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दे रहे हैं, पर हम जानना चाहते हैं इस राज दरबार के राज प्रासाद में एक बार वह दृश्य बताएं, आप किस प्रकार से सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं, तलवारबाजी का जौहर आपने कैसे सिखाया है, जरा बताइए सेनापति जी। ठीक है प्रधानमंत्री जी, यदि आप देखना ही चाहते हैं तो देखिए मैं अभी बताता हूँ। बताइए सेनापति जी, बताइए आपने कैसे सिखाया है। सैनिक आज तक हमने जो प्रशिक्षण तुम्हें दिया है, आज यह अवसर आ चुका है कि तुम सरे दरबार महाराज के समक्ष उसका प्रदर्शन करो। मैं भी तुम्हारे साथ इसका प्रदर्शन करूंगा, ध्यान रहे कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। जू आज्ञा महाराज। सैन्य प्रशिक्षण दिया तलवारबाजी का, पर सेनापति जी हम जानना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता दुश्मन सेना के पास अस्त्र शस्त्र हो और अयोध्या के सैनिक के पास कुछ ना हो, निहत्ता हो, मात्र के लाठी के बलबूते पर सौराष्ट्र अयोध्या का मान सम्मान गौरव कैसे बरकरार रख सकता है, कोई ऐसी भी कला सिखाई है? अवश्य यह कला भी आप देख लीजिए, सैनिक लाठियां लेकर आओ। सामने से गोली का भी बार आए तो आपकी लाठी से टकरा कर वह बारहीन हो जाए, क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रधानमंत्री जी अभी तो यह सैनिक प्रशिक्षण ले रहा है, जब यह पूर्ण तैयार हो जाएगा तब इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, शायद मैं भी नहीं। क्या बात है सेनापति जी, कोई ऐसी भी कला सिखाए, यदि नभ में युद्ध हो आकाश में तो आकाश के बीचों बीच दोनों युद्ध कर, हेलो ऐसी भी कला सिखाई है, यहाँ नहीं हो पाएगी वह कला, चलते हैं अखाड़े में हम उसे देखेंगे। चलिए आप लेकर चलिए हम सभी। अरे अरे ये दासी क्यों दौड़ी चली आ रही है, ये दासी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो महाराज, खूब खूब बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, महाराज बधाई हो, खूब खूब बधाई हो महाराज, खूब खूब बधाई हो। बधाई हो बधाई,
अरे दासियो बड़ी प्रसन्न चली आई हो दौड़ी दौड़े, क्या ऐसा समाचार लेकर आई हो जो उधर से ही बधाई दे रही हो? हम बड़ी ही खुशी की बात सुनाने आए हैं महाराज को, ऐसे ही थोड़ी ना बता देंगे। कहिए दूतराज क्या संदेश लेकर आए हो? अरे महाराज। अरे दासियो क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज बड़ी ही खुशी की बात है, हम आपको ऐसे ही थोड़ी ना बताएंगे। बधाई? कैसी बधाई? किस बात की बधाई? बधाई ही देती रहोगी या कुछ बताओगी भी? अरे महारानी आपके लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, पहले मन भर के हमें बधाई तो दे लीजिए। बधाई हो महारानी, बधाई हो, बधाई हो महारानी, बधाई हो। बातें ही करती रहोगी या कुछ बताओगी भी? बताएंगे महारानी, बताएंगे। कुछ तो सुनिए महारानी जी, सुनिए महारानी जी, सुनिए। आपके लिए अंतः कक्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महारानी, बधाई हो, बधाई हो महारानी, बधाई हो। समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, संदेश वाहक को पारितोषक दिया जाए। ये लो दासियों, ये लो अपना पुरस्कार। हाँ आधा आधा बांट लेना दासियों, दो है पुरस्कार एक है, आधा आधा बांट। महाराज की जय हो, जय हो महाराज, महाराज की जय हो। रानी जी की जय हो, रानी जी की जय हो। राजा के पास कह रही हो रानी जी, और रानी जी के पास कह रही हूँ की जय हो। इनका दोष नहीं, भावुकता इतनी है, पुरस्कार जो मिल गया। ताली बजाओ दोनों के लिए। महाराज बधाई हो, एक नृत्यांगना आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई देने के लिए आ रही है। क्या है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति कहाँ से हो गई? एक बार मुस्कुरा दो ना, हंस दो। पर सुनो, ये भारत देश की पटरानी सुभद्रा है। ठहरो महारानी जी, पुरस्कार दे रही है, पुरस्कृत कर दिया जाएगा। नृत्यांगना जाओ, आपको 9 लक्का हार, 10 लक्का, 12, 15, 20, 21 लक्का हार दिया जाएगा। ताली बजाओ बिटिया के लिए। अरे बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, महाराज की जय हो। कहिए सेनापति जी, इतने प्रसन्न दिखाई। हाँ हाँ महाराज, बहुत ही सुंदर समाचार लेकर आया हूँ, आप भी सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या समाचार लेके आए हो? महाराज मैं अभी अभी अयोध्याशाला से आया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा हजारों देवों से रक्षित दीप्तमान प्रदीप्तमान एक चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज। आप चक्रवर्ती बनेंगे, धन्य है ये इस राज्य का प्रधानमंत्री और सेनापति जी, आज तो आप भी धन्य हो गए। अयोध्याशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हमारे महाराज अब चक्रवर्ती बनेंगे। हम कितने गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे जब हम चक्रवर्ती की छत्र छाया में जीवन यापन करेंगे। धन्य हो गया हमारा जीवन, धन्य हो गया। और जैसे ही अयोध्याशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती, 9 निधियां महलों में समाहित हो जाती। माता बहनों, चक्रवर्ती का दरबार, बस हमें यही समझना है कि कैसा दरबार लगा होगा। 2 समाचार मिले हैं, द्वितीय 20,000 देवों से रक्षित चक्र रत्न की उत्पत्ति। जैसे ही चक्र रत्न की उत्पत्ति होती तो 9 निधियां स्वयमेव ही चलकर महलों में समाहित होने के लिए आ जाती। आइए, शायद है आपने कभी 9 निधियों को सुना हो, पर बड़ा मलहरा की बेटियां, नन्नी मुन्नी बेटियां, ये 9 निधियां बनकर आपको एक एक का वर्णन बता रही हैं। चक्र रत्न की उत्पत्ति के साथ ही किस प्रकार से विभूतियां आ जाती हैं, आ रही है काल निधि भक्ति करते हुए। निधि आ रही है, काल निधि। होले 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 निधि आई,
होले होले निधि आई होले 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 राजा के महलों में आए होले होले निधि आई होले होले निधि आई होले होले धीरे धीरे ओ हे भरतीस महाराज मुझ काल निधि का प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। मैं काल निधि हूँ, मैं समस्त ऋतुओं के फल फूल एवं धन दान देने की क्षमता रखती हूँ और आपके महल में धन दान की कमी नहीं, फल फूल और धन दान की कमी नहीं होने दूंगी। मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। बहुत स्वीकार है, स्वीकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए महलों में प्रवेश कीजिए। आ रही है दूसरी निधि। समझ में आया? नौ निधियों में पहली निधि है काल निधि। समस्त ऋतुओं के फल फूल सप्त धन एक समय में दे सकती है। यदि सर्दी के मौसम में हमें आम की इच्छा हो तो आम भी उपलब्ध करा देगी, अंगूर भी उपलब्ध करा देगी। ये नहीं कि केवल अमरूद खाते रहो सर्दियों में। सभी ऋतुओं के फल फूल देने की क्षमता है। आ रही है महाकाल निधि भक्ति करते हुए। धीरे धीरे होले होले देखो आई ये नदिया। धीरे धीरे होले होले देखो आई ये नदिया। ये चक्रवर्ती महाराज महाकाल निधि का प्रणाम स्वीकार हो। मैं महाकाल निधि हूँ। मैं सोना चांदी पीतल तावा आदि की खदानें उत्पन्न करती हूँ। आपके दरबार में कभी किसी भी धातु की कमी नहीं होने दूंगी। हे चक्रवर्ती महाराज मुझे स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है। सोना चांदी लोहा पीतल तांबा सभी धातुओं की ये खाने हैं, खदाने की खदाने ये देती हैं। किसी धातु की कमी नहीं पड़ेगी। कटक सेना को समस्त धातुओं की प्राप्ति कराएगी ये महाकाल निधि। स्वीकार की और प्रवेश हो गई महलों में। आ रही है अंगली निधि भक्ति करते हुए। अरे होले 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 देखो निधि आई होले 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 देखो निधि आई देखो निधि निधि राजा के दरबार में आई देखो निधि। अरे बोले 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 देखो निधि आई रे। हे महाराज, हे महाराज महापद्म निधि का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे भरतेश मुझे महापद्म निधि कहते हैं और मैं समस्त प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करती हूँ। आपके राज्य में मेरे होते हुए आपके राज्य में कभी भी वस्त्रों का अभाव नहीं होगा। आपकी कटक कटक सेना के लिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध करा सकती हूँ। आप मुझे स्वीकार करें, आप मुझे स्वीकार करें। स्वीकार है। बहुत बढ़िया। ताली बंद प्रत्येक बेटी के नृत्य पर। जितने भी कपड़े उपलब्ध कराने हो, चाहे वह ऐसा पर्दा हो, टेंट लगाना हो, कपड़े पहनने के हो, ये सारे कपड़े उपलब्ध कराती है ये निधि। आ रही है अंगली निधि भक्ति करते हुए चक्रेश के दरबार में। अरे होले होले देखो देखो निधि आई होले होले तालियां भी आई। जरा तो जरा तो जरा तो कहीं मानो मानी तो आई रे। चक्रवर्ती सम्राट को पिंगल निधि का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे महाराज मैं पिंगल निधि हूँ। मैं समस्त प्रकार के आभूषणों का निर्माण करती हूँ। मैं आपके राज्य में समस्त प्रकार के आभूषण जैसे मांग टीका बिंदिया कंगन पायल कमरबंद उपलब्ध कराऊंगी। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। ताली बजाइए बहन के लिए। स्वीकार है। बहुत बढ़िया। आइए महलों में प्रवेश कीजिए। अब तो आपको भी मिलेंगे आभूषण। महारानी हो अपने अपने महाराज से कहना उपलब्ध, क्योंकि हम चक्रवर्ती की छत्र छाया में जिएंगे। जिसको भी आभूषण चाहिए मांग लेना, उपलब्ध हो जाएगा। अंगली निधि आ रही है भक्ति करते हुए।
अरे निधि आई राजा के महलों में निधि आई निधि आई राजा के महलों में निधि आई। हे भरतेश पांडु निधि का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे सम्राट मैं मुझे पांडु निधि कहते हैं। मैं चक्रवर्तियों के समान उत्मान और प्रमाण आदि का ज्ञान कराती हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। पांडु निधि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मान सम्मान बहुमान चक्रवर्तियों का कहां कैसे होना चाहिए। जहां जहां चक्रवर्ती जाएंगे मान सम्मान बहुमान की ये सारी तैयारी करेगी। जैसे आसन लगाना अच्छा आसन बिछाना ऐसे सुंदर सुंदर वातावरण बना देना ये पांडु निधि का काम। एक बार ताली बजाओगे देखो उत्साह भरते रहो। मैं मानता हूं पर ये अपनी बेटियों का कार्यक्रम है। हम पहली बार इन्हें देख रहे हैं जान रहे। अगली निधि आ रही है भक्ति करते हुए। अरे होले होले निधि ये आई प्रभु के गुण गाई प्रभु के गुण मन में रमाई महलों में निधि आई महलों में निधि आई। चक्रवर्ती महाराज मैं निसर्ग निधि हूँ। निसर्ग निधि का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। मैं ग्राम नगर दौड़मुख आदि में मंडप का निर्माण करती हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। नई सर्प निधि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बढ़िया आइए महलों में प्रवेश कीजिए। ये मंडप का निर्माण करती है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो ये धार्मिक आयोजन में अनुष्ठान के लिए संपूर्ण मंडप का निर्माण कर दे। तभी अगली निधि आ रही है भक्ति करते हुए। निधि आई देखो राजा के दरबार में निधि आई राजा के दरबार में तन मन हर लो भक्ति की इस प्यार भरी बरसात में तन मन हर लो भक्ति की इस प्यार भरी बरसात में निधि आई देखो राजा के दरबार में निधि आई देखो राजा के दरबार में। चक्र रत्नधारी भरतेश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे स्वामी मुझे सर्वरत्न निधि कहते हैं। मैं मोती माणिक हीरे एवं पुखराज जैसे बहुमूल्य रत्नों का निर्माण करती हूँ। मैं इन रत्नों से आपकी संपूर्ण नगरी को शोभायमान कर दूंगी। स्वामी मुझे स्वीकार करें। स्वीकार करें। स्वीकार करें। स्वीकार है। बहुत बढ़िया। रत्न निधि के लिए ताली बनती है। ये जो नौ निधियां सुन रहे हैं जो नौ के नाम बताएगा काम बताएगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनना। ताली बजाओ बेटी के लिए। रत्न निधि आई अगली निधि आ रही है भक्ति करते हुए महलों में समाहित होने के लिए। देखो आई निधि देखो आई निधि देखो आई निधि देखो आई निधि भारत राजा के दरबार में जय हो। आई निधि देखो आई निधि देखो आई निधि देखो आई निधि भारत राजा के दरबार में। ध्यान से सुनना कौन सी निधि है क्या काम है इनका। हे भरतेश मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं शंख निधि है। मैं मुझे शंख निधि कहते हैं। मेरे समस्त प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे गाजे बाजे मजीरा ढोलक और नाटक आदि की विधि का ज्ञान प्राप्त कराती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। मुझे शंख निधि कहते हैं। शंख निधि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये समस्त प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण करती है मनोरंजन के साधन जुटाती है शंख निधि। महलों में प्रवेश हो जाती है। आ रही है अंतिम निधि भक्ति करते हुए आ रही है। और देखो देखो ये निधि आई देखो देखो ये निधि आई मन पजू में
मांडव निधि का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मुझे मांडव निधि कहते हैं और मैं अस्त्र शस्त्र की सामग्री का निर्माण करती हूँ, जैसे तलवार वाला धनुष बाण आदि का निर्माण करती हूँ, और मैं अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं होने दूंगी। मेरा प्रणाम स्वीकार और मुझे स्वीकार करें। स्वीकार है। बहुत बढ़िया, आइए महलों में प्रवेश। मांडव निधि के लिए एक बार ताली बनती है। जब भी वैद्य यात्रा के लिए निकलते हैं अस्त्र, ये माता बहने कहाँ जा रही हो? सच बात है, अभी चुटकुले सुनाते तो खूब जी भर के रात भर बैठ जाती हैं। जहाँ बुद्धि की बात आती, हे भगवान पंचम काल है, बैठ जाओ, जो बैठ सको बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और आपकी अपनी बेटियां, ऐसा मन तोड़कर मत जाओ बेटियों का। नौ निधियां बता भैया, ऐसा बीच में बोल देते हैं तो जो जाने की जुगाड़ में होती है ना, वो फिर नहीं जा पाती, ऐसे बोलना पड़ता है। बुरा मत मानना, किसी किसी को आपत्ति विपदा भी आ जाती तो जाना पड़ता, वापिस भी आ जाती है, पर इसलिए कोई हिम्मत ना जुटाए बीच से जाने का, इसलिए मैं बोल देता हूँ। अपनी बेटियां इनका आनंद लो और इनका थनक को। अब कौन बताएगा, जैसे ही अयोध्याशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति होती तो और क्या उत्पन्न होता? 14 रत्न उत्पन्न होते। कोई बताएगा 14 रत्नों के नाम? जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बताओ किनको पता है 14 रत्नों में से कोई एक का नाम बता दो। अच्छा चलो 14 में से एक का नाम बता दो। लो ये कह रहे, ये हमारे समाज के रत्न है, एक नाम हो गया। सुनो, अच्छा माँ जी आ रही, ओ दीदी है, आ जाओ दीदी, आगे आ जाओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, इतना टाइम नहीं हमारे पास। छत रतन, चर्म रतन, कांकड़ी रतन, अश्व रतन, गज रतन, पुरोहित रतन, स्त्री रतन। बल्लू भैया कहाँ जा रहे हो? पुरस्कार लेने आपके लिए। क्या बात है, दीदी के लिए ताली बजाओ। दीदी मेरे पास हाथ तो नहीं है, मैं कल आपको जरूर पुरस्कृत करूंगा। नहीं हाथ तो हाथ इधर आप ले ही जाओ, पुरस्कृत ले ही जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अब ध्यान से सुनना जानना, आपको 14 रत्न पता चल। हम नाटक में ये कलाकार हुल्लड़बाजी करके चले जाते, कुछ याद नहीं रहता, पर आदरणीय भैया जी राकेश जी ने जो मुझे सिखाया कि बेटा काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाए, बस यही प्रयास है। तुम ना सीख पाए तो कोई बात नहीं, पर ये तुम्हारी नौ बेटियां जीवन भर याद रखेंगी कि मैं ये निधि बनी थी, इसका ये काम है। जो 14 रत्न बेटियां बनी है पूरे जीवन भर याद रखेंगी कि ऐसे 14 रत्न होते हैं और मैं ये रत्न बनी थी। इतनी तो शिक्षा मिल ही जाएगी इन बेटियों को। आ रही है प्रथम 14 रत्नों में चक्र रत्न, आ रही है वह बेटी, अपना काम बता रही है। चक्री रतन देख आई प्रभु की बल्ले तारिया, चक्री रतन देख ताली बजाओ प्रभु की बल्ले तारिया, अयोध्या नगर हम आए प्रभु की बल्ले तारिया। मुझे चक्र रतन कहते हैं। हिम्मत जुटाओ बेटा, बोलो अच्छे से। मैं इस चक्र से आपकी सदा रक्षा करूंगी। बोलो बोलो अच्छे से बोलो। हे महाराज, हे महाराज मैं इस चक्र से आपकी सदा रक्षा करूंगी, दुश्मनों का संहार करूंगी। महलों में प्रवेश हो जाता है ये चक्र रत्न, दर्शन चक्र जिसे कहते हैं। जाओ बेटा, आरा अंगला रत्न आरा भक्ति करते हुए, ताली बजाइए बिटिया के लिए छत्र रत्न। ताली बन छत्री रत्न आयो, देखो छत्री रत्न आयो, छत्री रत्न आयो, देखो छत्री रत्न आयो, जरा तो खुशियां चाहिए अपार, देखो छत्री रत्न आयो।
हे महाराज, हे महाराज आपको, हे महाराज आपको छत्ररत्न का प्रणाम हो। मैं आपकी वर्षा धूप आदि से सदैव रक्षा करूंगी, प्रणाम महाराज। अब पता ये छत्ररत्न संपूर्ण कटक सेना के ऊपर जब भी कोई विपदा आए, धूप हो बरसात हो, ये छत्र रत्न यदि अपने आप में खड़ा हो जाए तो सारी अक्षुणी सेना कटक सेना सुरक्षित रह सकती है। एक बार छत्र रत्न के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आरा अंगला रत्न भक्ति करते हुए असी रत्न, आइए आ जाओ आ जाओ, हाँ भक्ति करते हुए। ये असी रत्न, हे महाराज आपको असी रत्न का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे महाराज मैं इस तलवार से आपको सभी युद्धों में विजय प्राप्त करवाऊंगी, प्रणाम महाराज। ताली बजाइए। ये सदैव महाराज प्रसन्न रखने की इसमें क्षमता है, सदैव प्रसन्न रखेगी। आ रहे अंगला रत्न आ रही है, आइए जल्दी से आइएगा। दंड रत्न कहाँ गई? अरे बेटा आओ ना, चलो आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दंड रत्न महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दंड रत्न की तरफ से महाराज की जय हो। महाराज मैं आपकी और आपकी सेना की रक्षा करूंगी, कोई दंड आए तो मैं उसकी रक्षा करूंगी। ताली बनती है बिटिया के लिए। भैया जी 12 कोस प्रमाण तक यदि सेना को चलने में कटीली झाड़ियां हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, कांटे हो, तो ये दंड निधि 12 कोस तक सफाई कर देती। एक अंत मुहूर्त में ऐसी क्षमता रखते हैं ये दंड निधि। ताली बजाओ बिटिया के लिए। दंड रत्न अब अगला रत्न आ रहा भक्ति करते हुए, मणि रत्न। मणि रत्न के लिए ताली बनती है, जोरदार ताली बजाओ। व्यवस्थाएं मिलाई है देखो। हे महाराज मणि रत्न का तुम स्वीकार हो। मैं स्वीकार है। मैं आपके मणियों से जड़ दूंगी, आपके महल को प्रकाशित करूंगी, प्रणाम महाराज। ताली बजाइए मणि रत्न के लिए। ये आभूषणों से मणियों से चढ़ देगी महलों को और प्रकाशित करेगी, अंधकार में प्रकाश भरेगी। तभी आ रही है किंकड़ी रत्न भक्ति करते हुए। किंकड़ी रत्न ये एक प्रकार का रत्न होता है। महाराज को प्रणाम हो, मैं तीन कड़ी रत्न हूँ और मैं गुफाओं में उजाला करूंगी और मैं जगह जहाँ जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजाला करूंगी, महाराज की जय हो। ताली बजाओ किंकड़ी रत्न के लिए। ये गुफाओं में अंदरूनी स्थानों में ये प्रकाश करके
वहां पहुंचाने का कार्य करती है। जब छह खंड की विजय यात्रा के लिए चक्रवर्ती निकलते तो कई गुफाओं के रास्तों से निकलना पड़ता है, भूमि तले से निकलना पड़ता है। ये वहां पर कंकणी रत्न प्रकाशित करके वहां पर सेना जा सकती है। अंगला रत्न आ रहा, चर्म रत्न, आओ भक्ति के साथ। चर्म रत्न सुनिए क्या उसका काम है। महाराज चर्म रत्न, आप महाराज चर्म रत्न का आपको प्रणाम। महाराज मैं आपको हर कष्ट, महाराज मैं हम आपको हर कष्ट में सहायता करूंगी। नदी को पार करने में आपकी सहायता करूंगी। चर्म रत्न का आपको प्रणाम हो महाराज। ध्यान रखना दीदी। ओ दीदी, 14 रत्नों में एक चर्म रत्न है। पता जब नदी तालाब आता है ना, तो ये रत्न एक ऊपर से पर्त बना देता, पानी के ऊपर एक विशाल पर्त का निर्माण कर देता ये रत्न। उस पर्त पर कटक सेना बैठ जाए तो नदी तालाब समुद्र आसानी से पार किए जा सकते हैं। ये चर्म रत्न महाराज चक्रेश को, चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है। ताली बजाई एक बार। और ये भक्ति करते हुए रत्न महलों में प्रवेश कर रहा अंगला रत्न ग्रहपति। चक्रवर्ती को ग्रहपति का प्रणाम स्वीकार हूँ। स्वीकार है। हे महाराज, मैं ग्रहपति हूँ। मैं आपके राज्य में और आपके नगर में सदैव हर कार्य की व्यवस्था बना के रखूंगा। मुझे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। यस, एक और रत्न आ रहा। अच्छा, माजी आ रही है। नहीं, माजी आ रही है रत्न को लेने। रत्न या रत्नी है बताओ ना माजी, बेटा है या बेटी? बेटा है। अच्छा अच्छा, ये ग्रहपति रत्न के लिए ताली बजाओ। ये संपूर्ण अयोध्या सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं ये ग्रहपति। तभी अंगला रत्न आ रहा, नौमा रत्न सेनापति रत्न। महाराज की जय, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे महाराज भरतेश, मैं सेनापति रत्न, महाराज मैं अपने कार्य को से आपकी संपूर्ण सेना को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने का कार्य करूंगा। महाराज जो भी योद्धा अनभिज्ञ हैं, अस्त्र शस्त्रों का जो ज्ञान नहीं रखते महाराज, मैं उन्हें सभी को प्रशिक्षण दूंगा और उन्हें इस योग्य बनाऊंगा कि सेना को कोई परास्त ना कर सके महाराज। सेनापति रत्न के लिए ताली बजाइए। सप्त सेनाओं का नेतृत्व करते हैं ये सेनापति जी। दसवें नंबर का रत्न आ रहा है, ज्योतिषी रत्न। आइए। श्री भरतेश्वर महाराज चक्रवर्ती महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं आपके राज का राज पुरोहित हूँ और हे महाराज मैं सभी मांगलिक कार्यों में करने में सक्षम हूँ। हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने में मुझे बहुत ही ज्ञान प्राप्त है और जब भी आपको आवश्यकता पड़े मेरे बिना तार वाले यंत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। महाराज की जय हो, जय हो। पुरोहित रत्न के लिए एक बार ताली बजाइए। अंगला रत्न है रथ रत्न, सामने दृष्टि दौड़ाइए। स्वर्ण रथ वहां पर खड़ा है, यहाँ नहीं आ सकता था इसलिए रथ। अरे बक्की नहीं देखी क्या जो मुड़ मुड़ के देख रहे हो, हद हो गई यार। बक्की जो स्वर्ण रथ है और ऐसा अद्भुत वर रथ रत्न है, धरती पर चल सकता, जल पर चल सकता, वायु गमन कर सकता, ऐसा अद्भुत विलक्षणकारी रथ रत्न। अगला रत्न स्त्री रत्न।
हेलो 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 भैया बैटरी चेंज करा दीजिए। हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलिए रथ रत्न के सारथी आए हैं, पर ताली बजाओ रथ रत्न के सारथी को। बाकी का बताई दिया कि रथ रत्न के कार्य क्या है, एक बार ताली बजाओ रथ रत्न। स्वीकार है। अंगला रत्न है गजराज हाथी, यहाँ नहीं आ सकता था ना, महा आरती में देख ही लिया होगा आपने। रथ राम अंगला रत्न है बताई दिया गजराज रत्न, और बारवा अंतिम रत्न बारवा, हाँ हाँ बारवा रत्न स्त्री रत्न। चालू है बेटा चालू है। हाथ में धारण करने वाले चक्र को हाथ में धारण करने वाले चक्र वाले महाराज को, महामहाराज को मेरा प्राण स्वीकार, प्राण स्वीकार। मैं स्त्री रत्न हूँ, मैं आप आपके संकाशन को सशोभित करने वाली हूँ, मैं आपके महल को सशोभित करने वाली हूँ। मेरा स्त्री रत्न का प्राण स्वीकार, मुझे अपने महल में प्रवेश दे। ताली बजाइएगा। वास्तव में स्त्री रत्न ये बैठी है ना सुभद्रा, ये पटरानी है, ये स्त्री रत्न के रूप में पटरानी इनको मिली हुई है। अंतिम रत्न अश्व रत्न घोड़ा आपने देखा होगा, यहाँ नहीं आ सकता इसलिए क्षमा करना, घोड़े हाथी रथ को हम नहीं ला सके, एक बार मन में जरूर बना लेना। सफेद अश्व पर अश्व रत्न आ रहा है क्या यहाँ पर? चलिए चलिए समझ लीजिए अश्व रत्न इस प्रकार था। एक बार बेटियों के लिए ताली बनती है, देखो पापड़ से मत तोड़ो, और बेटियों की इतनी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर जो चक्रवर्ती पद को सुशोभित कर रहे हैं, ये अम्मा जी क्यों जा रही हैं? दो जने हाथ पकड़ के बिठाल दो भाई, बैठ जाओ माँ जी। हाँ दीदी बैठ जाओ, पांच मिनट के लिए बैठ जाओ। ऐसे लगता जब लोग तुम लोग जाते हो ना, ऐसे लगता जैसे हमारी छाती पे पैर रखकर जा रहे हैं, इतना दुख होता। बेटियों ने इतनी अच्छी तैयारी की, तुम आए और गए। चक्रवर्ती महाराज ने कहा है 29 तारीख को, इन बेटियों के नाम लिख लेना, सारी बेटियों के, सभी बेटियों को आप और पटरानी सुभद्रा पुरस्कृत करेगी। आज उपलब्ध नहीं है इतने पुरस्कार, 29 तारीख को सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। चारों तरफ खुशियां थी तभी, सुनो ना दीदी बेटियों की बात, एक बार बेटियों के लिए ताली बजाओ। अंतिम दृश्य हमारा आने वाला है आज की राज्यसभा का, इससे पहले मन है कि दो मिनट की कविता सुना दूं, और इसलिए सुना दूं कि एक बार आप लोग बिखर से गए हो, बातें करने लगे। ए बेटी बेटा सुनो ना, तुम्हारी बात करूंगा। भैया जी मैं भी सुना लूं दो मिनट की। इतनी नन्ही नन्ही सी बेटियां आई हैं, बबलू भैया ये जो मां जा रही है पछताएगी ये सुन के नहीं जा रही है, तो चलो बोलिए विरंजन सागर महामुनिराज की। अभी 9 और 14 23 बेटियां, 9 और 14 हाँ 23 ही, 23 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया। साली है वो माता पिता जिनके घर ये बेटियां किलकारियां ले रही हैं। भगवान कसम जब भी किसी के घर बेटी के जन्म का समाचार सुनता हूँ ना, उस दिन गाय को 10 रोटी खिलाता हूँ अपने हाथ से, कम से कम 100 रुपए का दान देता हूँ।
मेरी बेटी नहीं है मेरे बेटे हैं, इसलिए मन करता कि काश एक बेटी और होती तो घर का नजारा ही कुछ बदला होता। कहते हैं कि क्या होती वाली राखी क्या रिश्ते व्यवहार। चक्रवर्ती जी यदि ये कविता दिल को छू जाए तो पुरस्कार के हकदार तो हम भी रहेंगे 29 तारीख को। क्या ए बेटियों बातें मत करो बिल्कुल। राकेश भैया जी बिना बेटियों के घर कैसा लगता। क्या होली दिवाली राखी क्या रिश्ते व्यवहार, जिस घर बेटी नहीं फीके सब त्योहार, जिस घर बेटी नहीं फीके सब त्योहार। बेटियों पुरस्कार काट देंगे। जिनेंद्र भैया इन बेटियों को चुप कराओ। ए बेटा बिल्कुल मौन हो जाओ अंतिम। हाँ हाँ अभी कराएंगे, चुप हो जाओ बिल्कुल चुप हो जाओ। महत्वपूर्ण कविता है इसलिए मैं चुप करा लेता हूँ ये बातें। देखो संगीतकार जी तो बार बार एक पंक्ति को तीन बार दोहरा लेते हैं, पहली बार समझ में नहीं आई दोबारा सुन लेंगे, पर कविता एक ऐसी होती है कि एक शब्द निकला और कविता फिसल जाएगी। साहब आइए तो आपको कविता आपके बीच रखता हूँ। हो कहते हैं कि बेटी घर की आन है बेटी घर की शान, जिस घर बेटी नहीं वह घर है शमशान, जिस घर बेटी नहीं वह घर है शमशान। घर आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। ताली लगेगी इस पर। घर आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी, खुद पाती हो स्नेह ना पाती हो फिर भी सबको स्नेह लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। अपने भाग्य का साथ मिलाती घर आपका के सजाती है बेटी, अपने भाग्य का साथ मिलाती घर आपका के सजाती है बेटी। ये कविता की भूमिका में चार पंक्तियां थी, एक बार आगे से पीछे तक ताली बजा दो। वह कविता आपको सौंप रहा। जब भी दादा दादी पर दुख तकलीफ आए, माँ बाप पर तकलीफ आए, बेटा आएगा। दीदी सुनो ना, बेटा आएगा एक बार पूछेगा माँ क्या बात है क्यों रो रही हो। ठीक है ये रोना धोना बंद करो, माँ मैं स्कूल जा रहा, बेटा चला जाएगा। लेकिन बेटी आएगी, पापा के आंसू पोंछेगी, माँ के आंसू पोंछेगी, दादा को ढाढ़स बंद आएगी, दादा क्या हुआ क्यों रो रहे हो। जब तक पूरा माजरा ना जान ले बेटी तब तक उसे शांति कहां सांत्वना कहां। तब ये कविता लिखनी पड़ी। भैया जी वो दृश्य ने ट्रेन से शिखर जी जा रहा था, मजाक नहीं। एक माता पिता बैठे थे, दो बेटे एक सी ड्रेस पहने हुए, दो बेटे, एक बेटा पिता के मुंह में बिस्कुट डाल रहा था और एक बेटा पिता के मुंह से बिस्कुट निकाल रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हारे दोनों बेटे कैसे हैं, एक बेटा बिस्कुट डाल रहा एक निकाल रहा। उस पिता ने कहा भैया ये दोनों बेटे नहीं हैं, इसमें एक बेटी है और एक बेटा है। इनका मैं कैसे जानूं, क्या जानना, जो मुख में बिस्कुट डाल रहा मतलब वह बेटी है और जो मुख में से बिस्कुट निकाल रहा वह बेटा है। बहुत सुंदर। सबके आंगन चहकती रहे बेटियां, पर आज की स्थिति क्या है सबके। यदि वास्तव में यह कविता दिल को छू जाए तो एक बार शाबाशी दे जाना हमें। सबके आंगन क्या कहते हैं, सबके मन को खटकती रही बेटियां, सबके दिल में खटकती रही बेटियां। सुनो ना जा रहे हो,
नहीं नहीं माला पत्थर डाल रहे हैं, बाद में डालना, सुन लो पहले ये सुन लो। गट्टू भैया के लिए ताली बजाओ एक बार। और खाली माला नहीं लूंगा। हाँ नहीं, ये आपकी कविता आपको माला माल कर देगी, चिंता मत। सुनिए, सबके दिल में खटकती रही बेटियां, सबके दिल में खटकती रही बेटियां, पर मेरी क्या इच्छा है, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां, मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, क्या बात है, अम्मा दादा के आंसू के अंगार पर बदली बन के बरसती रही बेटियां, वाह वाह, बदली बन के बरसती रही बेटियां। कविता की पहुंच रखने वाले, अगला बंद सुनना, ओढ़ कर सपन सारा शहर सो गया, ओढ़ कर सपन सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, राह पापा की तकती रही बेटियां, अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, अब की वेतन पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झकती रही बेटियां, कहते कहते झकती रही बेटियां, इस जमाने ने शर्म और हया बेच दी, इस जमाने ने शर्म और हया बेच दी, राह चलते भी डरती रही बेटियां, राह चलते भी डरती रही बेटियां, बेटी होना है अपराध इस देश में, बेटी होना है अपराध इस देश में, जन्म से पहले ही कोख में मरी बेटियां, जन्म से पहले ही कोख में मरी बेटियां, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां, सबके आंगन चहकती रहे बेटियां। एक बार बेटी के सम्मान में ताली बजाइए। देखिए भैया, अब कर सकते हो सम्मान। कविता पर प्रसन्न होकर के हमारे भागचंद भैया जी पीली दुकान वालों ने चक्रेश भैया को 500 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी है, और आप हाथ तो हाथ पुरस्कार दे रहे हैं। मालूम पड़ गया कि माता पिता कत्ल करवाना चाहते हैं कोख में, वो क्या कहते हैं सुनना, कि चाहे मुझको प्यार न करना, चाहे तनिक दुलारन करना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मारन देना, मैं बेटी हूँ मुझको भी है जीने का अधिकार, मैया जन्म से पहले मत मार, बाबुल जन्म से पहले मत मार। कविता सुनाऊंगा जिस दिन कभी समय लूंगा पूरी उस दिन। बजाओ एक बार चक्रेश भैया जी की, गजब की जोड़ी जमती है, यदि कभी सम्मेलन का मौका मिले कातिल कराओ जरूर, अच्छी अच्छी कविताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे अपन, और 500 रुपए का पुरस्कार कविता पर प्रसन्न होकर हमारे आदरणीय प्रमोद, हाँ असली नाम जानना चाहता था। गट्टू तो छोटे वालों को बोलते यार, ये तो इतने बड़े हैं यार, मेरे मन से नहीं निकलता गट्टू। आदरणीय प्रमोद जी और गट्टू भैया के लिए पर जोरदार ताली बजाइए। 500 रुपए का पुरस्कार आपने भी कविता पर प्रसन्न होकर दिया है। सभा चल रही थी, हाँ चक्रवर्ती जी 29 तारीख को लेंगे आपसे, आज नहीं लेते। तभी सभा में एक और दूत दौड़ा चला रहा है, अंतिम 5 मिनट की प्रस्तुति, इसके बीच कोई नहीं उठना, तभी सार मिलेगा। एक और दूत दौड़ा चला रहा है। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो,
राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है बनमाली, ये समस्त ऋतुओं के फल फूल एक साथ इतने सुगंधित, ये फूल ये तो आश्चर्य की बात है बनमाली जी, एक साथ समस्त ऋतुओं के फल फूल ये कैसे उग गए बगीचे में? यही तो मैं भी बताने आया हूँ प्रधानमंत्री जी। बताइए बनमाली जी बताइए। ठीक है, हे महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं शिरोमणि सरताज, और संदेश लाया सुखद सो सुन लीजे महाराज, लाया सुखद सो सुन लीजे महाराज, सुन लीजे महाराज, आश्चर्य हुआ देख अति भारी, बाग बगीचे खिल उठे और महक उठी सब क्यारी, और महाराज सभी ऋतुओं के फल आए, सभी ऋतुओं के फल आए, कीट पक्षी भी मिल गाए, कीट पक्षी भी मिल गाए, और महाराज घातिया कर्मों का क्षय किया है, और आपके पिता महामुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। जय हो, नमो स्तुति थंकराय, नमो स्तुति थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु वृषभनाथाय। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके पिता श्री महामुनिराज आदिनाथ को, तभी तो भव्य दिव्य समोषण लगेगा, पाठ जुड़ा हुआ है। जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज हर्षित है सभी, हर्षित हैं, पूछने लगते राज ऋषि से, चक्रवर्ती महाराज भरतेश पूछ रहे हैं। आज 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 एक साथ तीन शुभ संदेश मिले हैं प्रिय, पहले कौन से शुभ संदेश की खुशियां मनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताएं। हे महाराजाधिराज, वास्तव में आज पहला पुत्र रत्न की प्राप्ति का, अयोध्याशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का, और द्वितीय समाचार आपके पिता श्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति का हुआ है। तीनों खुशियां एक साथ आई हैं, पहले किस खुशी को मनाएं ये हम भी नहीं जान पा रहे। हमारे बीच राज ऋषि के रूप में परम आदरणीय वाणी भूषण प्रतिष्ठाचारी पंडित प्रवर राकेश जी विराजित है, हम उनसे अनुरोध करते हैं अयोध्या के राज ऋषि इसका निर्धारण करें कि सर्वप्रथम खुशी हमें किसकी मनाना चाहिए। हे भव्यवर पुंडरीक, नर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ भरतेश चक्रवर्ती, आप स्वयं छायक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, ये संसार की विभूतियां तो आती जाती रहती हैं, अनंतों बार हमने अनंतों पुत्रों को जन्म दिया, पुत्र प्राप्ति हुई, अनंतों बार हमने संसार की सारी विभूति को प्राप्त किया, लेकिन जिसको हमने आज तक प्राप्त नहीं किया उनकी शरण में जाना सबसे श्रेष्ठ है, और आपके पिताश्री को जो दिव्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनसे जाकर के अपने धर्म मार्ग को प्रशस्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य से बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है, इसलिए हे चक्रवर्ती सर्वप्रथम तुझको केवल ज्ञान की पूजा करने हेतु समोपण में जाना चाहिए। धन्य हो राज ऋषि, धन्य हो, चलिए चक्रवर्ती जी, चलिए सभी सैन्य सहित हम सभी राजा महाराजा मिलकर समूषण में तीर्थंकर अरहंत प्रभु की देशना सुनने और उनकी पूजा करने, समूषण की पूजा करने हेतु चलते हैं। अजी शम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, बोलो भैया जो बोल रहा हो भैया। समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, अजि शम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, अरे प्यारी लागे सुंदर लागे अनुपम लागे रे, समो शरण की रचना कितनी प्यारी लागे जी, अजि शम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, और इस प्रकार समोसरण की पूजा अर्चना की
राज ऋषि के कहे अनुसार चक्रवर्ती बनने हेतु दिग्विजय यात्रा के लिए चक्रवर्ती प्रस्थान करेंगे। यहाँ पटरानी सुभद्रा, इधर आइए पटरानी जी, मंगल तिलक लगाकर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर सभी देवियां आगे आ जाओ, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। देखिए जब तक छह खंड का पूर्ण अधिपति नहीं हो जाता, कोई ऐसा राजा महाराजा मंडलेश्वर जो चक्रवर्ती के अधीनस्थ नहीं हो जाता, तब तक चक्र रत्न की प्राप्ति हो तो जाती लेकिन दरवाजे पर रुक जाती है। और उनकी पटरानी सुभद्रा मंगल तिलक लगाकर उनको विदा करती है कि छह खंड को जीतकर हे भरतेश चक्रवर्ती प्राणनाथ उस चक्र रत्न को प्राप्त करके चक्रवर्ती पद को सुशोभित कर। सुस्वागतम हो सुस्वागतम, मन मंदिर से तुम नहीं कम, क्या बात है, आप रख दो जहाँ पर कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछा देंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम, मंगल आरती उतारती है, खड़क हाथ दे रही है सुभद्रा पटरानी, आरती जलाइए बेटा, आरती जलाओ। ध्यान देना 29 तारीख को दिग्विजय यात्रा है, आदिनाथ के जाते जाते सुनते जाना माता बहनों पुरुष वर्गो, आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हुए पुत्र भरत, आदिनाथ को 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान में, महावीर को 1200 वर्ष लगे, बाहुबली को 1 वर्ष लगा, किंतु भरत चक्रवर्ती को एक अंत मुहूर्त में लंगोट खोलते केवल ज्ञान हो गया। ऐसे केवल ज्ञानी भरतेश जब दिग्विजय यात्रा के लिए नगर भ्रमण करेंगे तो अपने द्वार पर चौक पूर्णा इनको भेंट समर्पित करना, वस्त्र आभूषण समर्पित कर सकते हो, फल दे सकते हो, राशि दे सकते हो, जो भी राशि आप भेंट में देंगे वह राशि मंदिर कमेटी की होगी और जो फल इत्यादि आएंगे वह आपने ही वितरित कर दिए जाएंगे, इसलिए सबको उनका बहुमान सम्मान करना है। 29 तारीख को दोपहर 2 बजे यहाँ से दिग्विजय यात्रा प्रारंभ निकलेगी, ऐसी ऐतिहासिक दिग्विजय यात्रा बना दो लगे वास्तव में चतुर्थ काल फिर से आ गया हो, ऐसा ही होगा। क्या बात है, ऐसा ही जाइए और शीघ्र ही 60 खंडों पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही वापस आइए, जाइए। और चल देती है यहाँ पर वह दिग्विजय यात्रा, साथियों के साथ में धुजा लिए हाथ में, साथियों के साथ में धुजा लिए हाथ में, भरत की सेना चली चक्रवर्ती की सेना, पीछे चलो सभी, चक्रवर्ती की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली, भरतेत्व की सेना चली, चक्रवर्ती की सेना चली। आगे का कार्यक्रम 29 तारीख को